सो हे गाइज, वेलकम ऑन दिस चैनल वेव्स ऑफ बायोलॉजी। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाली हूँ अबाउट द सिकल सेल एनीमिया के बारे में। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि व्हाट इज़ एनीमिया। एनीमिया का मतलब होता है जो हमारी बॉडी में नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन होता है, हीमोग्लोबिन जो कि RBC के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और RBC हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, तो RBC के अंदर अगर हीमोग्लोबिन का कंसनट्रेशन कम हो रहा है, नॉर्मल लेवल से कम जाता है, तो उसको हम बोलते हैं एनीमिया। सो गाइज, नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन क्या होता है, उस पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो इन द फीमेल्स नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन इज 12 ग्राम पर डेसीलीटर एंड मेल्स में 15 टू 16 ग्राम पर डेसीलीटर, ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल रहता है। सो बेसिकली सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि अभी आपको इस पिक्चर के अंदर कुछ रेड ब्लड सेल्स दिख रही होंगी और कुछ दिख रही होंगी सिकल सेल्स। सो जो हमारी RBC होती हैं उनका शेप चेंज हो जाता है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर जिसमें कि RBC अपना शेप चेंज कर देती हैं, वो मिस शेपन हो जाती हैं, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन कम हो जाता है इन द RBCs। तो अभी आप इस डायग्राम के अंदर ये देख रहे हो कि नॉर्मल RBC कैसे दिखती हैं और एबनॉर्मल सिकल्ड रेड ब्लड सेल्स किस तरीके से ब्लड वेसल्स में फ्लो करती हैं। सो जो नॉर्मल RBC हैं वो ईजिली फ्लो कर रही हैं इन द ब्लड वेसल्स, बट जो सिकल सेल RBC होती हैं वो ब्लॉक करती हैं ब्लड फ्लो को, ठीक है। तो अभी आपको इस क्रॉस सेक्शन में भी दिख रहा होगा कि एक दिख रहा होगा आपको नॉर्मल हीमोग्लोबिन, बट एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन जो है, जो कि जिसकी वजह से सिकल शेप हो जाती है उस RBC की। इट इज़ द इनहेरिट डिसऑर्डर, मतलब कि ये हमें हमारे पूर्वजों से मिलता है। मतलब कि अगर हम किसी भी पेशेंट से पूछ रहे हैं, हमें लग रहा है कि उसको सिकल सेल एनीमिया है, तो उसकी कहीं ना कहीं उसकी फैमिली हिस्ट्री में ये चीज़ हमें मिलेगी कि किसी भी पर्सन को उनकी फैमिली में पहले सिकल सेल हुआ होगा, ठीक है। इसके और भी कॉज होते हैं बट इट इज़ द इनहेरिटेड डिसऑर्डर मेनली। उसके अलावा इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत सारे सिम्टम्स आपको पता चलेंगे एनीमिया की कंडीशन में, ठीक है, जो कि मैं अभी आपको अपनी वीडियो के थ्रू और बहुत सारे सिम्टम्स दिखाऊंगी, क्योंकि सिम्टम्स बहुत ज़रूरी होते हैं अगर आप कोई लेमैन है, मतलब कि अगर आप नॉर्मल पीपल हैं जिनको नहीं पता है कि बेसिक क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, तो आपको इस वीडियो के थ्रू उस चीज़ की जानकारी मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आप डॉक्टर हैं या स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो अभी हम देखेंगे कि सिम्टम्स क्या क्या आते हैं सिकल सेल एनीमिया, या फिर हम कह सकते हैं एनीमिया कंडीशन में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। सो आपको यहाँ पर जो रेड पेन से लिखे वो दिख रहे होंगे वो हैं सीवियर कंडीशन में, कि अगर बहुत ही ज़्यादा एनीमिया की कंडीशन हो गई तो उसमें वो सिम्टम्स आते हैं। अब मेन पॉइंट इज दैट कि सीवियर कंडीशन क्या होती है एनीमिया की। सीवियर कंडीशन का मतलब है कि अगर हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन 8 ग्राम पर डेसीलीटर से भी कम हो गया है तो उसको हम बोलेंगे कि उसको सीवियर एनीमिया की कंडीशन आ चुकी है। सो इसमें क्या क्या होता है, हम शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे CNS की। CNS मतलब कि ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड की। सो इसमें क्या होता है, बेसिकली जो एनीमिक पेशेंट है उनको फटीगनेस बहुत रहती है, डिजीनेस। फटीगनेस का मतलब क्या है, थकान होना, चक्कर आना, बेहोश हो जाना, ये सारे सिम्टम्स आते हैं। उसके अलावा उनका ब्लड प्रेशर लो रहता है, हार्ट में पैल्पिटेशंस, पैल्पिटेशन मतलब कि हार्ट बहुत तेज तेज धड़क रहा है, छूने पे एकदम से ज़रा सा आप ऊपर चढ़े तो बहुत तेज आपका दिल धड़कने लगेगा। रैपिड हार्ट रेट, हार्ट रेट जो है वो बहुत ही रैपिड हो जाता है। चेस्ट में पेन होगा, चेस्ट में पेन जो है वो सीवियर कंडीशन में जाकर होता है, नॉर्मल एनीमिक कंडीशन में नहीं होता है। एंजाइना, एंजाइना मतलब कि इट इज़ अ टाइप ऑफ अ पेन इन हार्ट, ठीक है, जो कि हमारे लिम्स तक और जॉ इन सबको अफेक्ट करता है, उसको बोलते हैं एंजाइना। उसके अलावा हार्ट अटैक की कंडीशन भी आ सकती है अगर कोई एनीमिक पेशेंट है। उसके अलावा स्प्लीन की हम बात करें तो स्प्लीन इनलार्ज हो जाता है, स्प्लीन इनलार्जमेंट को हम बोलते हैं स्प्लीनोमिगैली। कहीं पर भी मिगैली वर्ड का मतलब होता है कि उसका बड़ा हो जाना, उस ऑर्गन का बड़ा हो जाना। सो स्प्लीन क्यों बड़ा होता है एनीमिक कंडीशन में, इसलिए बड़ा होता है क्योंकि स्प्लीन को हम बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ RBC, मतलब कि RBC जहाँ पर मरती हैं। RBC का नॉर्मल लाइफ स्पैन होता है 120 डेज, और जब वो मरती हैं तो वो मरती हैं आकर स्प्लीन में। सो अगर बार बार जल्दी जल्दी RBCs मरने लगें तो क्या होगा, स्प्लीन को ज़्यादा काम करना पड़ेगा और स्प्लीन इनलार्जमेंट हो जाएगी। उसके अलावा अगर हम इंटेस्टाइन की बात करें तो इंटेस्टाइन में स्टूल का जो कलर है, व्हाट इज़ अ स्टूल, स्टूल इज़ अ फेसेस। अगर आपको फेसेस भी नहीं पता, सो इट्स को हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं पॉटी या फिर लेटरिन, ठीक है। सो
इसका स्टूल का कलर चेंज हो जाता है, मस्कुलर मतलब कि हमारी जो मसल्स हैं उसमें हमें बहुत वीकनेस फील होती है, रेस्पिरेटरी में हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, हम सही से सांस नहीं ले पाते हैं, ऐसा लगता है बहुत जल्दी सांस ले रहे हैं, हल्की हल्की सांस आ रही है, पूरी तरीके से सांस नहीं आती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है। उसके अलावा स्किन में पेनलेस, कोल्डनेस, येल्लोइंग, स्किन येल्लो येल्लो दिखती है, ठीक है, या फिर आइज़ में येल्लोइंग, आइज़ जो है वो येल्लो येल्लो दिखेंगी, ये वाली सेम कंडीशन आइज़ में येल्लोपन या फिर बॉडी में येल्लोनेस जो है वो जॉइंडिस की कंडीशन में भी आती है। जॉइंडिस क्या होता है? जॉइंडिस इज अ डिसऑर्डर विच इज़ रिलेटेड विद द लिवर। सो लिवर में क्या होता है, हमारा बिलिरुबिन लेवल, जब बिलिरुबिन लेवल का नॉर्मल लेवल होता है 0.321 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और अगर इससे ज़्यादा बिलिरुबिन लेवल हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाता है सो उस कंडीशन को हम बोलते हैं जॉइंडिस की कंडीशन, जो कि हमें इक्ट्रस मतलब कि आइज़ में दिखती है, क्योंकि जो बिलिरुबिन है इट इज़ वेरी हैज़ वेरी हैज़ वेरी मच एफिनिटी टू द इलास्टिक टिश्यूज़, तो इलास्टिक टिश्यूज़ पे ये इफेक्ट करते हैं और हमें पता चलता है कि हाँ भाई इस पेशेंट को जॉइंडिस हो सकता है। सो ये सारी कंडीशंस आती हैं इन द जॉइंडिस। और अभी हम बात कर रहे हैं एनीमिया के बारे में, तो एनीमिया में भी ये येल्लोइंग, कोल्डनेस एंड पेनलेस ये हमें मिलती है एनीमिक पेशेंट्स में। सो गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक देन प्लीज हिट लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट फील फ्री टू कमेंट बिलो। उसके अलावा गाइज अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा एक और चैनल है, उस पर आप डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप उस चैनल को भी देख सकते हो। उसके अलावा मैंने हाइपर थायराइड, हाइपोथायराइड, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया इन सब के बारे में डिस्कस किया है। सो उन सारे वीडियोज़ को अगर आप देखना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके उन वीडियोज़ को देख सकते हो। आजकल हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड और शुगर की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, तो मैंने उसके कुछ सिम्टम्स आपके साथ शेयर किए हैं जिससे कि आप पहचान सको कि अगर आपके कोई आसपास है तो उसको एनीमिया या ये सारी कंडीशंस तो नहीं है। टिल देन गाइस, बाय बाय, टेक केयर।